नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्किल पर। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट स्टार्टिंग करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट कराए हुए हैं, एक्सरसाइज 8.3। कृपया जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वहाँ से इस वीडियो को शुरुआत से देखें, जिससे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन समझ में आ सके। और एक और जानकारी बच्चे, यदि आपको ये आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं तो आपको 3 बेसिक आइडेंटिटी और इनसे जनरेटेड आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी, जिससे आपका क्वेश्चन देखते ही क्विक रिएक्शन हो सके। और यदि आपको साइन और टैन वाले, टैन और कोट, सेक और कोसेक वाले क्वेश्चन दिए गए हैं तो मोस्ट केसेज में इनको आप साइन और कोस में बदलेंगे, और जिससे आप इसको ईजिली कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। इसमें क्या दिया गया बच्चों, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस sec ए अपॉन sec ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cos ए। तो हम बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस sec ए अपॉन sec ए। यहां से हम इसको cos में चेंज कर लेंगे बच्चों, 1 प्लस 1 अपॉन cos ए अपॉन 1 अपॉन cos ए। यहां से हम एलसीएम लेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस cos a अपॉन cos a 1 अपॉन cos a, cos a से cos a कैंसिल, बचेगा क्या बच्चों 1 प्लस cos a। यहां से हमें प्रूव करना है बच्चों साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर ए। बच्चों नीचे क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर ए। यहां से हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है, यदि मैं ऊपर नीचे 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई कर दूं 1 माइनस cos a से, तो हमारा काम आसान हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। और 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या होता है बच्चों, आइडेंटिटी से 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर होता है बच्चों sin स्क्वायर a, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए बच्चों पार्ट नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। बच्चे इस क्वेश्चन में मैं अक्सर क्लासरूम में देखता हूँ काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इस क्वेश्चन में समझने में काफी कठिनाई होती है। मैं इसको डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आ सके। देखते हैं बच्चों, इसमें हमें दिया गया है कोस ए अपॉन cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड जैसे हमने ली तो हमारे पास क्या आइडिया आ सकता है यहां से, यहां से अगर ये tan cot में दिया होता तो हम इसको sin cos में चेंज कर सकते थे, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं है। तो हम करेंगे क्या, इसमें हम क्या कर लेते हैं बच्चों, हर का प्रमेयकरण कर लेते हैं इसको, ऐसे क्वेश्चन में हर का प्रमेयकरण, क्योंकि यहां पे हमारे पास लॉजिक क्या बनता है, हमें राइट हैंड साइड में हर नहीं दिया गया तो हमें इसका किसी भी तरीके से डेनोमिनेटर कैंसिल आउट करना है। तो डेनोमिनेटर कैंसिल आउट करने के लिए हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो रैशनलाइजेशन के लिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, ऊपर नीचे जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों cos a प्लस साइन ए प्लस 1 cos a प्लस साइन ए प्लस 1 मल्टीप्लाई किया हमने इसकी। अब हम ऊपर क्या फॉर्मूला बन गया बच्चों, देखिए cos a प्लस 1 एक ब्रैकेट्स में cos a प्लस 1 cos a प्लस 1 माइनस साइन ए और प्लस साइन ए, यानी कि ऊपर a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला हम किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, cos a प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, ऊपर a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला हमने बना लिया। नीचे भी बच्चों क्या है फॉर्मूला, ये cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस b और a प्लस b। यहां हमने कैसे किया, cos a प्लस 1 यानी कि ये a, cos a प्लस 1 ये a, माइनस साइन a b और प्लस साइन ए बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी हमने ये किया माइनस वन
ऊपर हम इसको होल स्क्वायर खोल लेते हैं, क्या बचेगा, बचेगा कोस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस टू कोस ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहां से इसको फॉर्मूला खोलेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कोस ए माइनस वन। यहां से हमें बच्चों क्या मिला, यहां से हम क्या कह सकते हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस वन, वन माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोस स्क्वायर ए प्लस टू कोस ए स्क्वायर से लिख देते हैं, और वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वन हो जाएगा, वन प्लस टू इंटू साइन ए इंटू कोस ए माइनस वन। अब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों, यहां से वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, पहले आइडेंटिटी से कोस स्क्वायर ए प्लस टू कोस ए, यहां हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए अपॉन, और ये वन वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, नीचे क्या बचेगा टू इंटू साइन ए इंटू कोस ए, यहां से कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बच्चों, टू कोस स्क्वायर ए प्लस टू कोस ए अपॉन टू साइन ए इंटू कोस ए। यहां से हम अगर दो कॉमन लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ऊपर दो से दो कैंसिल आउट हो जाएगा, टू कोस ए भी कॉमन ले लिया हमने बच्चों ऊपर, यहां क्या बचेगा कोस ए प्लस वन, और नीचे क्या बचेगा टू इंटू साइन ए कोस ए, यहां से हम क्या कह सकते हैं, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, कोस ए प्लस वन अपॉन साइन ए, यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये अलग अलग लिखेंगे, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है बच्चों, कोट ए प्लस वन अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइन। इसको दोबारा से देख सकते हैं आप, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। ए बच्चों अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट सिक्स, क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट सिक्स, इसमें क्या दिया गया, वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए का अंडर रूट इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चों इसको सोल्व करने के लिए, क्या दे रखा है हमें, अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, यहां से हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कैसे सोल्व करें इसको, तो हमें एक आइडिया है कि यहां पे न्यूमरेटर है बच्चों डिनोमिनेटर नहीं है, तो यहां से हमें डिनोमिनेटर कैंसिल आउट करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, तो रैशनलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां से सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये ए प्लस बी और ए प्लस बी ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्या बचेगा वन प्लस साइन ए अपॉन, यहां से हम क्या लिख सकते हैं वन माइनस, अब इसको ऐसे रखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों कोस स्क्वायर ए, यहां से हम स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हम क्या लिख सकते हैं वन प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, अब हम इसको अलग अलग लिख देंगे, वन अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, अलग लिखने पर ये क्या हो जाएगा बच्चों sec a प्लस tan a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ
इस वीडियो को शेयर करें।